आपके सामने फिर हाजिर है लेकिन एक नई टिप के साथ। तो मेरी मिक्सी देख रहे हैं कितनी साफ है, मैं अपनी मिक्सी इसी तरह साफ करती हूँ और आप भी अपनी मिक्सी को इसी तरह साफ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है वॉशिंग पाउडर, आप कोई भी वॉशिंग पाउडर ले सकते हैं। और ये हमारी टिप जो है वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से है, ये कुछ सूखे हुए नींबू के छिलके हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने सिरका ऐड किया है, आप सिरका या नींबू में से कोई एक चीज भी ऐड कर सकते हैं, दोनों है तो दोनों। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है नमक और इसको मैं चलाने वाली हूँ मिक्सी को थोड़ी देर। क्या ये पानी हम फेंक देंगे? नहीं, बिल्कुल हम पानी को फेंकने वाले नहीं है, इस पानी का भी यूज करेंगे और मिक्सी हम धोके अपनी सुखा लेंगे। तो अभी इन्हीं सब चीजों का हम दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं तो चलिए, मेरे ये पानी मैंने बॉईल करके रखा है और इसमें कुछ मैंने साबुन के टुकड़े डाल दिए हैं, मैं बताती हूँ वो कौन ये। और ये पानी भी मैंने इसमें कर दिया है ऐड। तो ये साबुन के वो टुकड़े हैं जो हमारे बाथरूम में या हमारे यूज करने के बाद बच जाते हैं, तो इनसे मैं बर्तन नहीं साफ करने के लिए रिकमेंड करूंगी, लेकिन ये क्लीनर की तरह जरूर काम करेगा, चाहे नहाने का साबुन हो चाहे कपड़े धोने का साबुन हो। ये साबुन डाल दिया, कोई भी वैरायटी का साबुन हो, ये सारे टुकड़े इनमें मैं डाल दूंगी और इसमें कुछ नींबू के टुकड़े और डालूंगी और थोड़ा सा मैं इसको सिरका और डाल रही हूँ। कुछ अभी मैं इसमें थोड़े से नीम के पत्ते भी ऐड करने वाली हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा साबुन मेरा घुल जाए। इसमें मैंने कुछ नीम के ये पत्ते भी डाल दिए हैं, तो ये लिक्विड क्लीनर के साथ साथ सैनिटाइजर भी बन गया है। इससे आप फ्लोर, बाथरूम अब या टॉयलेट इससे क्लीन कर सकते हैं, टैप क्लीन कर सकते हैं, बाल्टी मग अपने बाथरूम के क्लीन कर सकते हैं, लेकिन यूटेंसिल्स मत क्लीन करिएगा क्योंकि वो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये यूज्ड मैंने साबुन के टुकड़ों का इस्तेमाल किया है। इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे और ठंडा होने पर इसको हम किसी बॉटल में भर के रख सकते हैं, ये हमारा आराम से एक महीने तक काम करेगा। तो बस छान के इस डब्बे में हम ठंडा करेंगे और फिर बॉटल में भर लीजिए। साथ ही साथ एक और चीज बता रही हूँ मैं, ये नीम की देख रही है, इसको हम लोग निबोली बोलते थे बचपन में, ये वही नीम की निबोली है। अगर किसी बच्चे के दाने निकले हैं, पुड़िया है, फुंसी है, तो इसको घिस के लगा सकते हैं और इसको नीम के पत्तों को पानी में डालकर नहा भी सकते हैं। तो थोड़ा सा खौल आने के बाद मैं इसको छान लूंगी और इसको बॉटल में भरकर रख लूंगी। तो इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है, कितना यूजफुल टिप है। तो मुझे लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मुझे बताते रहिए कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, ताकि मैं आपको नए नए टिप और नई नई रेसिपी के साथ बार बार आपसे मिलती रहूं। तो हम इसको छान लेते हैं, ये नेचुरल सैनिटाइजर हमारा तैयार हो गया। तो ये हमारा नेचुरल डिटर्जेंट भी इसको हम कह सकते हैं, कपड़े वॉशिंग मशीन में भी डाल सकते हैं, आप अपने डोर, पंखे या किसी भी तरह के क्लीनर के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।